सो हे गाइस, यदि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में शेयर करना चाहते हो, कास्ट करना चाहते हो या मिरर करना चाहते हो बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए और बिना किसी यूएसबी केबल वायर के, तो ये पॉसिबल है। जी हाँ, आप वायरलेस अपने फोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप में कास्ट कर सकते हो। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के आइकन पे क्लिक करोगे, आपके सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन कास्ट की जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। स्क्रीन कास्ट की सेटिंग को ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपनी स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो लैपटॉप है उसमें वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल नहीं है। जब आप पहली बार आओगे तो आपको भी कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको भी यहाँ कोई भी सेटिंग नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे लैपटॉप में वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले हम वायरलेस डिस्प्ले को इंस्टॉल करेंगे। वायरलेस डिस्प्ले को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए आपके लैपटॉप से। तो मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड है, आपको भी इस तरह से चेक कर लेना इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल फीचर्स का एक ऑप्शन दिखता है, आपको ऑप्शनल फीचर्स पे क्लिक करना। जैसे आप ऑप्शनल फीचर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐड एंड ऑप्शनल फीचर्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बगल में आपको व्यू फीचर्स दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू फीचर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होकर आ जाती है, सर्च बॉक्स। यहाँ पे आपको सर्च करना है वायरलेस डिस्प्ले। जैसे आप वायरलेस डिस्प्ले लिखोगे तो आपके सामने नीचे वायरलेस डिस्प्ले आ जाएगी। मैंने यहाँ से सिर्फ वायरलेस लिखा, वायरलेस डिस्प्ले जो है मेरे नीचे दिखने लगी। तो सिंपल सा आपको यहाँ से इसे टिक कर लेना, ये 2 MB की फाइल है, आपको यहाँ से टिक करना, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप में वायरलेस डिस्प्ले फीचर्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल होने देना, थोड़े टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले का। तो मेरा ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद ये कुछ सर्कल घूम रहा था, आपको इसे घूमने देना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चला जाना है और एक बार चेक कर लेना है आपके जो लैपटॉप में वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं इसे थोड़ा नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप में वायरलेस डिस्प्ले फीचर्स इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपको फिर से सिस्टम पे क्लिक करना है एंड आपको आ जाना है यहाँ पे प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी पे। तो यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है ना, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी सारी सेटिंग आ चुकी है। सेटिंग को आने के बाद यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अवेलेबल एवरीवेयर पे क्लिक करना है और अवेलेबल एवरीवेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाना सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ओनली को सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप फर्स्ट टाइम ओनली को सिलेक्ट कर लोगे ये फर्स्ट टाइम ओनली सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है पिन पे नेबर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यदि आप पिन सेट करोगे आगे चल के ये दिक्कत करती है। उसके बाद आपको ऊपर में लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वायरलेस फीचर्स इनेबल हो जाएगी और आपका जो सिस्टम है वो रेडी हो चुका है अपने फोन को कास्ट करने के लिए। तो अब हम अपने फोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप में शेयर करेंगे। इसके लिए आपको अपने फोन पे भी कुछ सेटिंग करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपने फोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। फोन की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस पे इंटरनेट कनेक्ट करना होगा और आपको वही वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट करना जिस वाईफाई से आपका लैपटॉप कनेक्टेड हो। यदि अदर वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो काम नहीं करेगा, आपको सेम वाईफाई से लैपटॉप और फोन को भी कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने फोन में स्क्रीन मिरर का जो सेटिंग होता है उस पे जाना होगा। हर एक फोन की अलग अलग सेटिंग होती है, आपको देख लेना। मेरा यहाँ पे आइकन बार पे ही दिख रहा है स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन, आपका भी यहाँ पे स्क्रीन कास्ट लिखा हुआ आएगा, कास्ट आएगा, मिरर आएगा या फिर मल्टी स्क्रीन या फिर वायरलेस डिस्प्ले ऐसा कुछ दिख सकता है। हर एक फोन की अलग अलग सेटिंग होती है, आप ये इंटरनेट पे भी सर्च करके बता कर सकते हो। मेरा फोन पे सिंपल सा यहाँ पे आया है मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके फोन पे जो है जो भी वायरलेस डिस्प्ले आपके अगल बगल रहेगा तो उसे ये सर्च करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज 11 जो है वो आ चुकी है। मैं सिंपल सा यहाँ पे 1 टैप किया और आप देख सकते हो ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। आपको वहाँ पे भी लिखा हुआ दिख रहा है कि ओप्पो फोन जो है वो कनेक्ट होने वाला है। तो इस तरह से थोड़ा सा सर्कल घूमेगा, उसके बाद आपकी जो फोन है वो कनेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो मेरी जो फोन है वो कम्प्लीटली लैपटॉप पे आ चुकी है और इसकी स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली लैपटॉप पे आ चुकी है। अब आप जो भी अपने फोन पे करोगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। जो भी चीजें आप यहाँ पे करोगे सेम चीजें आपके आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखेगी। तो आप इस तरह से अपने फोन को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो और अपने फोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप में शेयर करके गेमिंग का एंजॉय कर सकते हो, बड़े स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।